हाँ जय माता दी। और सुनाओ आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगी। अम्मा भगवती से यही कामनाएं करता हूँ आप लोग जिधर भी रहो उधर खुश रहो। चले दोस्तों अमावस्या के दिन अपने दुश्मन को जान से मारने का एक स्वयं सिद्ध देहाती मंत्र मैं बताऊंगा। ये भी मंत्र दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली और उग्र मंत्र है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ अमावस्या के दिन अपना जो दुश्मन है दोस्तों उसके ऊपर दोस्तों प्रयोग करके आप उसको जान से मार सकते हो। बोलेंगे दोस्तों कि दूसरे दिन प्रयोग के लिए तो नहीं, ठीक है दोस्तों। क्या होता है कि दूसरे दिन जब प्रयोग करेंगे तो नफा के बदले वो क्या होगा कि नुकसान हो जाएगा। जैसे मान लो दूसरे के ऊपर दोस्तों प्रयोग करना चाहते हो ब्लैक मजी या काला जादू करने के लिए या उसको मारने करने के लिए, तो वो मरेगा नहीं, क्या होगा कि वो रिटर्न होकर आप ही के ऊपर दोस्तों लग जाएगा। तो ये बात को आपको ध्यान है, सिर्फ आपको अमावस्या के दिन जो होता है दोस्तों आपको सिर्फ चलाना है, क्योंकि हर महीने में दोस्तों एक ना एक अमावस्या पड़ता है, ठीक है। कोई भी दिन हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है, एक पहले बात ये ख्याल करना, अमावस्या पढ़ना चाहिए। तो क्या करना है दोस्तों, क्योंकि ये जो मंत्र है दोस्तों स्वयं सीधे, आइए एक और मैं बात बोल देता हूँ दोस्तों, मेरा जो भी मंत्र रहता है हर एक एक वीडियो में दोस्तों मैं विधि विधान के साथ में बताता हूँ। गुरु क्या करता है, थोड़ा कपटी गुरु रहता है ना, तो क्या करता है जो विधि विधान रहता है मंत्र का छुपा लेता है और मंत्र आपको दे देता है। तो देता है तो क्या करते हो कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ मंत्र बोलते हैं गुरुजी फलना गुरुजी के पास गया ऐसा ऐसा वो मंत्र दिया, देने के बाद में क्या हुआ, वो मंत्र का प्रयोग कैसे करना है उसका विधि विधान क्या है वो बताता नहीं है, क्योंकि उतना जब नहीं बताएगा दोस्तों आप उसको प्रयोग भी नहीं ला सकते हो, नहीं उसको दुरुपयोग कर सकते हो। अब मैं तो दोस्तों क्या करता हूँ उसका विधि विधान के साथ में आप लोगों का मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कोई भी गुण है गुण सीख लेना चाहिए, ठीक है। गुण कोई खराब नहीं होता है, खराब कौन होता है जो इंसान गलत मैंने गलत के लिए प्रयोग करता है या अच्छाई के लिए, वही आदमी सिर्फ खराब है, ठीक है। जैसा मान लो वो लोग देख नहीं पाता ना, अच्छाई के लिए जो प्रयोग उसको अच्छा बोला जाता है और बुराई के लिए प्रयोग करता है उसको गलत बोला जाता है, ठीक है। तो अपने अपने दोस्तों कर्तव्य के हिसाब से दोस्तों अच्छा या बुरा दोस्तों इंसान उसको बना देता है, ठीक है। जैसा कोई अच्छा आदमी रहेगा उसके ऊपर दोस्तों तंत्र विद्या प्रयोग करेंगे उसको मारण कर देंगे तो क्या बोलेगा कि देखो ना फलवा के साथ में वो थोड़ा लफड़ा हुआ था, देखो ना उसको मारण कर दिया या मार दिया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, ज़्यादा परो बोला जाता है और मारण क्रिया, ये दोनों नाम से दोस्तों ज्यादा प्रचलित है। आज शहर टाउन में क्या होता है कृतिया और मुठकरनी से ज्यादा प्रचलित है, एक पहले बात ये ख्याल करना, ठीक है। ये भाषा दोस्तों जो है नाम अलग अलग है लेकिन जो इसका कर्तव्य है दोस्तों एक ही है, ठीक है, एक पहले बात ये ख्याल करना। तो ये मंत्र है दोस्तों आप लोग का स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्धि उद्धि करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ दुश्मन के ऊपर कैसे प्रयोग करेंगे मैं आप लोग का ये विधि विधान आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि विधि विधान दोस्तों जान जाओगे तो हर दुश्मन के ऊपर ये प्रयोग करके उसको मारण करना है तो करो, या उसके काला जादू करना है करो, या परेशान करना है वो करो, आपका मर्जी है, ठीक है। मेरा सिर्फ कर्तव्य है दोस्तों, मेरा जो कथन है सिर्फ बता देना है, ठीक है, ताकि ये मेरा साथ साथ ये गुण जो है ये तंत्र विद्या है वो नहीं जाए, ठीक है। इसलिए एक और बात मैं आप लोग का मैं बोला, जो मेरा वीडियो है आप लोग लाइक नहीं करते, एक पहले बात देखा लाइक करोगे तो क्या होगा कि मंत्र में बताऊंगा, नहीं तो क्या करूंगा मंत्र भी बताना छोड़ दूंगा, सिर्फ वीडियो बनाऊंगा, जो भी आदमी को मंत्र चाहिए व्हाट्सअप के साथ में मिलकर फिर उसको मंत्र देना पड़ेगा, ठीक है, या लेना पड़ेगा, एक पहले बात ख्याल करना। तो आप क्या करिए, जो भी मेरा वीडियो देखते हो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करेंगे तो मैं जानूंगा हाँ कि मेरा मान के चलो जितना भी लाइक आएगा अच्छा लाइक आएगा, और अच्छा क्या होगा कि अच्छा आदमी उसको शेयर भी करेगा तो मैं बोलूँगा हाँ कि चलो मेरा बनाने का जो मकसद है वो सफलता हो रहा है, एक पहले बात ये ख्याल करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जो देखो हर महीने में आप लोग का एक एक अमावस्या पड़ता है, ठीक है, तो अमावस्या पड़ता है तो अमावस्या के दिन सिर्फ ये प्रयोग करना है। जैसे कोई आपका शत्रु हो या दुश्मन हो सबसे पहले क्या करना है, उसका घर द्वार उसका नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, एक पहले बात ये ख्याल करना। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, कितना आदमी जाता है मार्केट करने या कहीं बाजार पे जाता है और थोड़ा सा भी दोस्तों क्या होता है साइकिल में दोस्तों टर्च हो जाता है, दुश्मन ही रख लेता है, तो वैसा अवस्था में दोस्तों उसका नाम पता नहीं रहेगा तो कैसे मारण करेगा,
या उसके ऊपर काला जादू कैसा करेगा। नाम सबसे पहले दोस्तों इसमें अहम बात होता है, एक पहले बात का ख्याल करना, नाम रहेगा तो अच्छा तरीका से दोस्तों काला जादू कर सकते हो उसके ऊपर या मारण कर सकते हो, आपका मर्जी है ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जो मंत्र है मंत्र में बोल देता हूँ, उसके बाद में जो विधि विधान है वो विधि विधान आप लोग का मैं बताऊंगा ठीक है। तो मंत्र आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, मंत्र में थोड़ा भी त्रुटि नहीं होना चाहिए ठीक है, क्योंकि मंत्र स्वयं सीधे सिर्फ कंठस्थ करना है, कंठस्थ करने के बाद मंत्र चला सकते हैं। देखिए मंत्र आप लोग सुन लीजिए, खपर का तेल हर कुसा के बाती, अमुक का मारो अमावस्या का राती, चक चक तू चक माई काली का दिन हो या राती, दोहाई चौराहे वाली देवी के वीर मसान के दोहाई। एक बार और मैं बोलता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए ठीक है। खपर का तेल हर कुसा के बाती, अमुक का मारो अमावस्या का राती, चक चक तू माई काली का दिन हो या राती, दोहाई चौराहे वाली देवी के वीर मसान के दोहाई। मंत्र जो यही है दोस्तों, आपको क्या करना है जैसा अमुक के जगह पे आता है उसका नाम लेना है ठीक है। तो इसका विधि विधान क्या है शत्रु के ऊपर दोस्तों कैसे करेंगे मारण क्रिया के लिए, एक पहले बात देखा लगा। तो आपको क्या करना है उसका नाम आपको सबसे पहले, इसमें अहम बात है ठीक है, क्योंकि अमुक के जगह पे आता है उसका नाम रखना है, एक पहले बात ख्याल करना। तो क्या करना है, अमावस्या के तीन दिन पहले ठीक है, तीन दिन पहले आपको क्या करना है, ये प्रयोग करना है। आपको प्रयोग कैसे करेंगे, यानी कि जो टाटी होता है दोस्तों, टाटी के ऊपर एक शमशान कोयला से क्या करना है आपको, वो दुश्मन जो है उसका तस्वीर के आकार देना है ठीक है। थोड़ा भी तस्वीर में आप कितना भी बोलेगा तस्वीरें बनाने नहीं आता, तो तस्वीर बनाने कोई मतलब एकदम सिर्फ टाइटून जैसा, सिर्फ उसको यानी कि जो सेम दोस्तों ऐसा गबड़ा भी जाएगा तो कोई मुश्किल नहीं है ठीक है। यानी कि एक आकार होता है इंसान के, एक आकार देना है, देने के बाद उसके अंदर में दोस्तों जो चेस्ट है छाती के लगे उसका नाम लिख लेना है ठीक है। नाम लिख लेना है दोस्तों, किधर रहता है दोस्तों, प्रॉपर आइडियाज आपको होना चाहिए दोस्तों। फोटो मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है दोस्तों, फोटो नहीं मिलता है तो उसका जो सकल स्वभाव है दोस्तों अपने दिमाग में दोस्तों रहकर फिर ये करना है। मुख जो रहेगा दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसे टाटी के ऊपर दोस्तों बनाना है। आपको मुख जो रहेगा दोस्तों दक्षिण के तरफ रहेगा ठीक है, और उत्तर का जो चित्र बनाएंगे दोस्तों उत्तर की तरफ पढ़ना चाहिए, दक्षिण की तरफ आप मुख रखकर। और फिर ये जो मंत्र है दोस्तों, आपको ये मंत्र को मूंगा के माला से क्या करना है दोस्तों, उसको जाप करना है ठीक है। जाप कितना बार करेगा, एक पहले बात ख्याल करना, एक दिन में सिर्फ दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, 321 बार सिर्फ जाप करना पड़ेगा ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, उसके ऊपर फूंक मार देना है। जैसे तस्वीर बनाए हैं दोस्तों टाटी के ऊपर, उसका चित्र बनाए हैं दोस्तों, तो उसी पे दोस्तों क्या करेंगे, फूंक मार देंगे। अमावस्या से तीन दिन पहले से ये प्रयोग करना है, एक पहले बात ख्याल करना, प्रयोग कब करना है, शाम को समय में ये प्रयोग किया जाता है, जैसे समय संध्या को समय होता है उस समय आपको प्रयोग करना है ठीक है। टाटी के ऊपर बन गया, बनने के बाद में क्या करना है, आपको थोड़ा लाल आसन मिल जाएगा सही है, नहीं तो कमल उमल का आसन देख लीजिए दोस्तों ठीक है, या उससे भी नहीं मिलता है तो लाल कपड़ा उसको बिछा लीजिए। अब बिछाने के बाद दोस्तों अच्छा तरह से बैठ जाइए, अब बैठने के बाद में दो अगरबत्ती सिर्फ आपको गाड़ देना है ठीक है, यानी कि जिस तस्वीर बनाए उसके नीचे। अब बनाकर दोस्तों आप फिर ये मंत्र को पढ़ना है, उसका नाम क्या, अमुक के जगह पे कैसा पढ़ेंगे, मूंगा के माला मिल जाएगा सही है दोस्तों, मूंगा का माला भी नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है ठीक है। और 300 दोस्तों आपको 21 बार पढ़ना है, एक पहले बात 321 बार मंत्र कैसा पढ़ेंगे, खपर का तेल हर कुसा के बाती, अमुक का जैसा उसका नाम है ठीक है, अमुक का मारो अमावस्या का राती, चक चक तू चक माई काली का दिन हो या राती, दोहाई चौराहे वाली देवी के वीर मसान के दोहाई। एक बार हो गया दोस्तों, जैसे मान के चलो मैं संजय के ऊपर मान के चलो ये मंत्र का मैं प्रयोग मान के चलो करना चाहिए, बताने के लिए सिर्फ दोस्तों ठीक है। तो संजय मान का चलो वो इंसान, वो दुश्मन जो है संजय, वो मान के चलो उसका नाम है, तो ऐसा पढ़ेंगे ठीक है। खपर का तेल हर कुसा के बाती, संजय का मारो अमावस्या का राती, चक चक तू माई काली का दिन हो या राती, दोहाई चौराहे वाली देवी के भीर मसान के दोहाई। ऐसा पढ़ना है दोस्तों आपको 321 बार पढ़कर, फिर वो जो तस्वीर बनाए टाटी के ऊपर दोस्तों, उसका चित्र बनाए दोस्तों, उसके ऊपर दोस्तों फूंक मारना है ठीक है। पूरे खलास होने के बाद में फिर फूंक मारना है, 300 आपको 21 बार पढ़कर फूंक मार दीजिए दोस्तों, एक दिन हो जाइए, एक दिन हो गया दोस्तों। आ क्या करना है दोस्तों, ऐसे जगह पे तस्वीर बनाना है, उधर सूर्य का जो प्रकाश है दोस्तों पढ़ना नहीं चाहिए, एक पहले बात देखा, ऐसा अनहारा जगह तो तलाश करिए, अंधकार जगह के दोस्तों तलाश करिए, ताकि उसके अंदर दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश है उसका अंदर नहीं जाना चाहिए, एक पहले बात है, तस्वीर के ऊपर लगना नहीं तो आपको किया हुआ जो प्रयोग पे माटी फिर जाएगा, एक पहले बात देखा करना।
आप प्रयोग करना है दोस्त, तस्वीर का जो मुख रहेगा दोस्तों उत्तर की तरफ रहेगा, आपका जो मुख रहेगा दोस्तों दक्षिण की तरफ रहेगा। तस्वीर के ओर दोस्तों आप ताकेंगे, तस्वीर आपके ऊपर ताकेगा, एक पहले बात ख्याल करना। आ फिर दोस्तों उसके ऊपर पढ़ते हुए दोस्तों फिर मंत्र को दोस्तों पढ़कर 300 दोस्तों 21 तरह पढ़कर उसके ऊपर फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद दोस्तों क्या करना, अच्छा तरह से दोस्तों उसको ढक दीजिए, ठीक है। एक बार वही प्रयोग किया, दूसरा का बार प्रयोग करिए, तीसरा का बार जब प्रयोग करेंगे, यानी कि तीसरा का दिन पहले का दिन हो गया, दूसरा का दिन भी प्रयोग करिए वैसे, या तीसरा का दिन जब प्रयोग करेंगे दोस्तों उस दिन दोस्तों अमावस्या का दो रात्रि जो होगा दोस्तों 11 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर में दोस्तों उसका प्राण छोड़ना ही छोड़ना है। बहुत खतरनाक प्रयोग है दोस्तों, बहुत खतरनाक मंत्र है, एक पहले बात ख्याल करना दोस्तों, ठीक है। आ इसको मजे का और हल्के में दोस्तों ये मंत्र जो है मंत्र में नहीं लीजिए, ठीक है। पहले बात ख्याल करना, नहीं तो नापा और नुकसान होगा तो खुद जिम्मेवार होगा, एक पहले बात ख्याल करना। ये प्रयोग करने से पहले सबसे पहले बनन छन अच्छा अच्छा तरीका से आपको आना चाहिए, मंत्र जो बनन छन करने में आपके पास सिद्धि होना चाहिए, एक पहले बात ख्याल करना। नहीं तो उधर मारेगा तो मारेगा, नहीं मारेगा तो तुम तो जैसे भी जाओगे, एक पहले बात ख्याल करना। चले दोस्तों यही मैं बोलूँगा, ठीक है। वीडियो भी आप लोग का देखने में कोई बात जब समझ में आ गया हो, मैंने आ गया होगा तो सही है, जब नहीं आता है तो क्या करिए, कोई भी बात पूछना चाहिए एक दो बार वीडियो देख लीजिए, जब उससे भी दोस्तों आप लोग का समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में क्या किया हूँ एक पेज फेसबुक पेज का लिंक दिया हूँ श्री, ठीक है, श्री टैरी माई की जय, वो फेसबुक पेज के ऊपर क्लिक करिए, पेज पर आइए, पेज का फॉलो और लाइक करिए, आ इनबॉक्स में आकर कोई भी सवाल पूछेंगे जवाब पूछेंगे उसमें आपको समझाने का बताने का प्रयास करूंगा, एक पहले बात ख्याल कर। एक बार समझ में नहीं आता 50,000 पूछिए बताऊंगा, लेकिन जब तक ले समझ में नहीं आता है जब तक ले कोई प्रयोग नहीं करिए, नहीं तो जान से सफाई होना ही होना है, ठीक है, पहले बात ख्याल करना। क्योंकि ये सब है दोस्तों काला जादू का मंत्र, एक पहले बात परो इसको बोला जाता है, ठीक है, मुठकरनी बोला जाता है, तो ये बहुत सोच समझ कर दोस्तों किया जाता है, नहीं तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आदमी सीखने के लिए सीखता है लेकिन क्या होता है मेंटल होता है, नहीं तो तुरंत उधरे मर जाता है, एक पहले बात ख्याल, ये तो जैसा भी होना है होना, एक पहले बात ख्याल करना। चलिए आज के लिए मैं इतने में बोलूंगा, अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अपन देसी ज्ञान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, जुड़ जाएंगे देख फैमिली परिवार की तरह हो जाएंगे, ठीक है। आप वीडियो का दोस्तों जितना हो सके उतना दोस्तों शेयर करिए दोस्तों, ठीक है, शेयर करेंगे तो और बंदे आपका जो चाहने वाला होगा, आपका जो मित्र होगा दोस्तों, आपका जो सर संगत में दोस्तों तंत्र विद्या करता है दोस्तों उसके पास चल जाएगा दोस्तों, तो आपको दोस्तों बहोतरी देगा, ठीक है, क्योंकि बोलेगा कि फलना के पाके चाहे मेरा मित्र के पाते में ये सब चीज़ है वो मैं सीख रहा हूँ, दुश्मन के ऊपर प्रयोग करो, एक पहले बात ख्याल करना, ठीक है। आप वीडियो दोस्तों जितना हो सके उतना लाइक भी करिए, क्योंकि लाइक करेंगे दोस्तों मुझे भी इच्छा होता है गुप्त से गुप्त जानकारी आप लोग का समक्ष रखूँ और मैं बताऊँ, एक पहले बात ख्याल करना, ठीक है। गुण दोस्तों सीखकर दोस्तों उसको अच्छाई के लिए दोस्तों प्रयोग करिए। अच्छाई किसको बोला जाता है, जैसे मान के एक आदमी के लिए दोस्तों ये भी मंत्र मारण भी मंत्र दोस्तों अच्छाई के लिए प्रयोग होता है। अब कैसा होता है, जैसे एक आदमी के वजह से 10 आदमी दुखी में तो उसको क्या करेंगे, दां जान से भी मार देंगे तो बुराई नहीं है, एक पहले बात ख्याल करना, ठीक है। तो उधर दोस्तों अच्छाई भी होगा, क्योंकि एक आदमी के मरने से 10 आदमी जब खुश रहता है तो उसको मरने के बराबर नहीं बोला जाता, एक पहले बात ख्याल करना। तो यही मैं बोलूँगा दोस्तों आज के लिए इतने, अभी तक आज के लिए इतने मैं बोलूँगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए दोस्तों चलता हूँ, जय माता दी, जय हो टैरी माई।